प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप सब अंदर आए और भारत माता की जय आरों से लेके शुरुआत हो भाजपा की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सबसे पहले हमारे उच्चतम आदर्श सत्य शिव सुंदर से प्रेरित भारतीय लोकतंत्र की इस पावन मंच से आप सभी का मैं प्रणव शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ग्रामीण आंचल से पधारे हुए समस्त युवाओं, समस्त माताओं, समस्त बहनों का अभिनंदन करते हुए हमारी सभ्यता संस्कृति संजोए आजू से अनुभवी सम्मानित बुजुर्गों के अनुभवी सम्मानित बुजुर्गों के चंद वंदना करता हूँ। 26 नवंबर 1949 में जिस दिन भारतीय संविधान अंगीकार हुआ, भारत के हर नागरिक को राजनीतिक न्याय मिला। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि प्रजातंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा जनता का शासन है। ये सर्वदा स्वीकार किया गया कि लोकतंत्र व्यवस्था वह है जिसमें जनता का ही संप्रभुता है। जनता जिस व्यक्ति को अपना संप्रभु बनाती है, सत्ता का ताज पहनाती है, उससे वह आशा करती है कि उसको स्वस्थ सुविधाएं मिले। चुनावों से पहले किए गए वादे पूरे हो, मगर जब वादे पूरे नहीं होते तो लोकतंत्र से जनता का विश्वास उठ जाता है। लोकतंत्र केवल एक विशिष्ट प्रकार का शासन प्रणाली ही नहीं, केवल सत्ता की कुर्सी पर बैठना ही एक राजनीतिक लोकतंत्र नहीं, एक नैतिक या मानसिक भावना को का नाम भी एक लोकतंत्र जीवन का समस्त दर्शन है। और ये भी बात समझनी होगी, लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसकी अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रकृति हो, जनता की प्रकृति हो, शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। सत्ता स्कूल है, सत्ता नैतिका है, सत्ता शिक्षित समाज है, सत्ता न्याय में सच्चाई है, ईमान का ताज है। जनता की अंतरात्मा को सुन लिया जिसने, राष्ट्र को सर्वोच्च सत्ता पर उसी का राज है। आओ और हम ऐसे सत्ताधारी बनाएंगे, हम ऐसे सत्ताधारी बनाए नरेंद्र भाई मोदी को, और ऐसे ही लोकतंत्र के पहरी बनाए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को। और हम लोग देश की ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से युद्ध करें जिसमें ईमानदारी हो, जिसमें जन कल्याण हो, और जिसमें जन धर्म हो, और सबसे बड़ा देश का धर्म हो, भारत माता की। और मैं एक गल दोहरी समझाना, जड़ी कांग्रेस सरकार आती ना कि असी ये किता, असी एड दिता, असी वो किता, तो सारे से बड़ा मैं जवाब देना कांग्रेस पार्टी की। मैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा का बेटा है, जिला का प्रणव शर्मा है, और कांग्रेस पार्टी ने मेरे पिता PCCI दे एक स्टेट जनरल सेक्रेटरी है, उनका मर्डर हुआ, और कांग्रेस ने और कांग्रेस ने उस बंदे का, अपनी पार्टी के बंदे का अभी तक मर्डर ट्रेस नहीं करवाया। ऐसी सरकार जिथे होंगी बेड़ा करके। और मैं तुम्हें वादा करना, मैं प्रणव शर्मा राष्ट्रीय बेंगल का एक स्टेट जनरल सेक्रेटरी है, आज मैं समर्थन करना भाजपा का, क्यों ये भ्रष्टाचार की खत्म करेगी। और मेरा लक्ष्य है कि पिंडी के बीच हर उस युवा की जो आज युवा थोड़ा बेकार है, सड़कों पर काम करेगा, ओ अगर ये सरकार एक बार थोड़े लोगों की मेहरबानी करने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की सत्ताधारी बनाया, शासन पर बिठाया, तहज पहनाया, तो मैं पता करना बनी का युवा बेकार नहीं है। और रेल थोड़े हॉस्पिटल की मांगा, अज तक किन्ने आए थे लीडर, भाजपा का लीडर अज आया 2014 के बाद, पहले कांग्रेस ने शासन किया, NC ने शासन किया, थोड़े चार डॉक्टर नहीं ले पाए, ये तो वोट मंगने चलो थोड़े बोले कि वोट दो। और लाल सिंह होर के बोलते पुत्रो ये थोड़े बब्बे नहीं है सरकार, तो मैं लाल सिंह जी और बोलना ये सारे राजा की सरकार है, ये राजा हो है जिन गरीबा की सुनवाई की। अज लाडली बेटी स्कीम कुथों आई, क्या कांग्रेस अपने शासन च लाडली बेटी स्कीम नहीं बनाई सकती, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कुल स्कीम दिती सारे मोदी साहब ने, क्यों जिस देश च बेटी सुरक्षित है, जिस देश च सारी मां भैन बेटियां सर चुकी चले, ऐसी सरकार है मोदी सरकार। और जेड़े गल करते कांग्रेसी NC वाले मेरे कन्ने गल कर, बेटी बचाओ अभिमान कुन शुरू किया स्कीम कुन लैंदी भाजपा ने, कन्या स्कीम कुन लैंदी भाजपा ने, लाडली बेटी स्कीम कुन लैंदी साड़ी भाजपा ने, नैशनल हाईवे
आज थोड़े बड़ी दे बीच में थोड़े दिन बाद अगर डॉक्टर चंद्र सिंह जी आते हैं मैं वादा करना अस दिल्ली भी जाना चाहते जनाब। ये न्यूज हुआ है ये जिन्हें नोए जवान इस मंच उपर पैर रखना अभी डॉक्टर चंद्र सिंह जी की लियागे नैशनल हाईवे भी थोड़ा बनेगा ये मैं वादा करना। रही थोड़ी गल हॉस्पिटल के डॉक्टर नहीं आते सौ सौ साल हो गए ये इतने लगे तो इतने मरी ना इतने रिटायर हो जाना। मैं चाहना न्यूज हुआ है न्यूज अमेरिकन है न्यू लोकतंत्र है और ये ना पढ़े लिखे शासनधारी चले डॉक्टर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने पढ़े लिखे ने यह नहीं आते कुछ पुत्रो कड़ा लीडर है लीडरशिप की क्वालिटी होती पुत्रो जनता अनपढ़ नहीं है जनता पढ़ी लिखी है और बड़े दिखे मैं लीडर आते ने कि पुत्रो बोलिए बदतमीजी करिए वोट लैने ना तो सारे जितेंद्र सिंह जी भी लेकिन प्रधानमंत्री जी एक पढ़े लिखे नेता ने प्रधानमंत्री जी का ख्याल है कि सारी बेटियां अगर अज सारी बेटियां पायलट ने अज बनी दे बच्चे डॉक्टर ने अज बनी दे बच्चे कमांडर ने और ऐसी सुविधाएं सारी मोदी सरकार ही ले सकती। देखो मेरी गल्ला दो ने ना मैं झूठ बोलता तो ना मैं गल्ला करता। राम मंदिर क्यों बनाया कांग्रेस के टाइम से राम मंदिर क्यों नहीं बनया एनसीपी टाइम से पीडीपी के टाइम से राम मंदिर क्यों नहीं बनया ये राम मंदिर बनया राम राज्य लिया कुने लिया मोदी सरकार ने मोदी जी ने इतने कृष्ण जी का मंदिर है वह भी उसकी भी सुनवाई होगी क्योंकि धर्म देश का धर्म और धर्म के बिच जो भी खिलवाड़ करेगा मोदी सरकार नहीं छटेगी। 370 टुटिया बड़ी तकलीफ हुई नहीं 370 टुटिया बाहरे के लोग आए क्यों बाहरे के लोग क्या 12 लोग इंसान नहीं है अगर वो देश हस्ते काम करता अगर देश धर्म के हस्ते गल करता तो क्या 12 है कौन है 12 का हिंदुस्तान हिंदुस्तान का हर नागरिक जैरिया बिच रही सकता। और रही पत्थर वाली ने गल अच एनसी के टाइम के बिच और कांग्रेस के टाइम के बिच और